तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और वो भी एडजस्ट करके। हमें बाई पार्ट नहीं लगाना है इसमें, है ना। बाई पार्ट कभी और लगा लेंगे, किसी और एपिसोड में लगा लेंगे। हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। खैर, हमें इसे अपीयर कराना है, चूँकि ई की पावर एक्स हमारा फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में इसे अपीयर कराना है, दो फंक्शन। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेर इज़ एफ एक्स, हाँ, और उसका एफ डैश एक्स भी मौजूद होना चाहिए। खैर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस थ्री है, तो एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस वन एंड माइनस टू लिख सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर दोनों के लिए जाएगा, है ना। तो टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ठीक, डी एक्स। अब आप इजली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो यहाँ ब्रैकेट दो बचेंगी, तो दैट इज़ ऊपर वन बचेगा आपका, ठीक है। हम इसी स्टेप में कर दे रहे हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। खैर, अगर आप इसका डेरिवेटिव देखो, है ना, चलिए थोड़ा और लिख देते हैं कायदे से हम, e की पावर x एंड वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। तो अगर आप इसे एफ एक्स एज्यूम करते हो, तो इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे तो आपका ये इसका डेरिवेटिव आएगा, है ना। इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स, मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।